अध्याय 204 रैंकिंग टूर्नामेंट प्रारंभ। नॉक नॉक नॉक। यूचे की आवाज के उतरने के कुछ ही समय बाद बाहर से कदमों की एक बहुत हल्की आवाज आई, साथ ही दरवाजे पर दस्तक की एक श्रृंखला थी जो न तो हल्की थी और न ही भारी। कैंग यू ने तुरंत अपनी सांस रोक दी। वर्तमान में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसके लंबे बाल गड़बड़ हो गए थे और उसके कपड़े भी यूचे द्वारा खुले हुए थे, जिससे उसके ऊपरी शरीर की बर्फीली त्वचा का एक बड़ा हिस्सा प्रकट हो रहा था। फिलहाल वह किसी को देखने की हालत में नहीं थी। अपनी सांसों को स्थिर रखते हुए और एक शांत स्वर को मजबूर करते हुए उसने पूछा, यह कौन है? फेन जुचेंग की परिष्कृत और सौम्य आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ से आई। यह मैं हूँ, फेन जुचेंग। एमएन यूचे ने दरवाजे पर एक नजर डाली और फिर एक जटिल मुस्कान के साथ कैंग यू की आंखों में देखा। यूचे की निगाहों को देखकर कैंग यू उसके दिल में थोड़ा घबरा गया था। डर है कि उसने फेन जुचेंग के साथ अपने रिश्ते को गलत समझा था। उसने जल्दी से एक ठंडे स्वर का इस्तेमाल किया और जवाब दिया, यंग मास्टर फेन के लिए इस देर से आने के लिए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फेन जुचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले मैं रात में विला में घूम रहा था और जब मैं संयोग से इस जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि महामहिम का कमरा अभी भी उज्जवल रूप से जलाया गया था। चूंकि अभी रात जल्दी है, इसलिए मुझे विश्वास था कि महाराज को सोने नहीं जाना चाहिए था। आज रात बस एक पूर्णिमा के साथ एक रात हुई और स्वर्गीय तलवार विला की पूर्णिमा एक पेचीदा एहसास देती है। अगर कोई इसे याद करता है तो यह निश्चित रूप से अफसोस की बात होगी। यदि महामहिम स्वतंत्र हैं, तो जुचेंग आश्चर्य करता है कि क्या उन्हें चंद्रमा पर एक साथ टकटकी लगाने के लिए महामहिम को आमंत्रित करने का सम्मान मिल सकता है। यूचे के होठों का कोना फड़क उठा और उसने अपने दांत घृणा घृणा से पीस लिए। वह वर्तमान में राजकुमारी के साथ प्यार कर रहा था और अगले चरण के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन यह कचरा वास्तव में उसे चंद्रमा पर टकटकी लगाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था। तुम अपनी बहन की पर निहारते क्यों नहीं? यह सोचते हुए यूनचे ने अचानक अपने दोनों हाथों पर बल लगाया और बर्फीले भरे गोल टुकड़ों को अपने हाथों में लेने के लिए अपनी प्रत्येक उंगलियां गहराई से दबाते हुए पकड़ ली। आह, कैंग यू ने एक कराह छोड़ी। विलाप छोटा लेकिन मोहक था और तुरंत एक आदमी के दिल को पागलों की धड़कन के लिए उत्तेजित करने में सक्षम था। उसकी आवाज भी फेन जुचेंग के कानों में उतरी, जल्दी से पूछा, महाराज क्या हुआ? कैंग यू ने यूचे की कलाई पकड़ ली, उसे शर्मीली आंखों से देखा और शांत होने की पूरी कोशिश की। यंग मास्टर फेन, आपकी अच्छी इच्छा के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे पूरी तरह से चांदनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर और कुछ नहीं है, यंग मास्टर फेन, कृपया अपनी छुट्टी ले लो। जब वह बात कर रही थी, यूचे के हाथों की जोड़ी बुरी तरह से चलने लगी। उसने पकड़ा, रगड़ा और चुटकी ली, जिससे कैंग यू गलत तरीके से पैंट करने लगा। उसके पास अपने दांत पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खुद को किसी भी ध्वनि का उत्सर्जन न करने के लिए मजबूर किया। फेन जुचेंग एक पल के लिए मौन में चला गया, एक आह छोड़ने से पहले। महाराज, कुछ शब्द हैं जो जुएचेंग हमेशा आपको बताना चाहते थे। जुएचेंग को उम्मीद है कि महामहिम उन्हें यह मौका देंगे। उन शब्दों को कहने के बाद जुएचेंग निश्चित रूप से तुरंत छोड़ देगा और महाराज को परेशान नहीं करेगा। इस समय यूचे के हाथों में से एक चुपचाप नीचे की ओर फैला हुआ था। कैंग यू की लंबी स्कर्ट को अलग कर दिया और उसका हाथ तुरंत गहरे भीतर डूब गया। बिना किसी तरह के संयम के उसने उसकी लंबी और चिकनी टांगों को छुआ। उसकी जांघ के सही वक्र का अनुसरण करते हुए उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर चला गया, जैसे वह बिजली से चौंक गई हो। कैंग यू का शरीर कांप उठा। वह शर्मिंदा और चिंतित दोनों थी, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल यूनचे के गंदे हाथ को अपनी जांघ के पास जाने से जबरदस्ती रोकने के लिए किया था।
बड़ी इच्छा शक्ति के साथ उसने फेन जुचेंग को जवाब देने के लिए एक शांत स्वर का इस्तेमाल किया। मैं पहले से ही बिस्तर पर जा रहा हूँ, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कल तक इंतजार करना होगा। यंग मास्टर फेन, कृपया अपनी छुट्टी ले लो। यूचे के अति अत्यधिक उल्लंघन के तहत उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। हालांकि फेन जुचेंग इसे नोटिस करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने इसे दिल में नहीं रखा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस राजकुमारी से वह चिकनी बात कर रहा था वह वर्तमान में एक आदमी के शरीर के नीचे दबाया जा रहा था और उसका फायदा उठाया जा रहा था। उन्होंने अपने रोगी और सज्जन व्यवहार पर आयोजित किया और हमले पर दबाव डालने के बजाय उन्होंने शांति से कहा, जुचेंग महामहिम के आराम में बाधा डालने के लिए बेहद शर्मिंदा है। मुझे पता है कि महामहिम का कुछ मामलों के कारण जुएचेंग के प्रति पूर्वाग्रह है। लेकिन आपकी महारानी के प्रति जुएचेंग का इरादा सच्चा और स्पष्ट है और सूर्य और चंद्रमा मेरे गवाह हो सकते हैं। यदि महामहिम जुचेंग को एक मौका देने के इच्छुक हैं, तो जुएचेंग आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सभी साधनों को समाप्त कर देगा। मुझे आशा है कि महामहिम जुएचेंग से 1000 मील दूर नहीं रहेंगे और जुएचेंग को बार बार अस्वीकार करेंगे। कैंग यू फेन जुचेंग के उन शब्दों को छोड़ने के बाद वह 2 कदम पीछे हट गया और एक और पल के लिए रुके बिना उसने धीरे धीरे अपनी छुट्टी ले ली। आंगन से बाहर निकलने के बाद उसने सिर उठाकर रात के आकाश की ओर देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बुदबुदाया, इस दुनिया में मैं फेन जुचेंग के अलावा किसी और के पास आपको रखने की योग्यता नहीं है। आखिरकार आप एक और एकमात्र शाही राजकुमारी हैं और एकमात्र लड़की जिसे मैं फेन जुचेंग इस रोगी के साथ तैयार हूँ। फेन जुचेंग के कुछ दूरी पर चले जाने के बाद कैंग यू को एक बार फिर यूचे ने नीचे धकेल दिया। कैंग यू के साथ गद्दे को उछालते और चालू करते समय उसके लगातार कराहने के बीच उसके कपड़े यूचे द्वारा जल्दी से उतार दिए गए थे। उसका संपूर्ण शरीर एक ठीक सफेद लोंगो जेड की तरह उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया था। कैंग यू बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ गया, कंबल को किसी तरह उसकी छाती की प्यारी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए धुंधली आंखों से उसने दयनीय रूप से कहा, फेन जुचेंग और मैं के साथ वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है। आप नाराज नहीं हो सकते है ना? हम कुछ नहीं चल रहा है, यूचे ने सीधा चेहरा देने का नाटक किया। यह देर रात है और वह वास्तव में आपको खोजने के लिए सीधे आपके कमरे में आया था। आपने उसे बताया होगा? नहीं, यह बात नहीं है। वास्तव में उसने इसे स्वर्गीय तलवार के शिष्यों से सुना होगा। सच में यदि आप इसे साबित करना चाहते हैं तो अपना कंबल खींच लें और आज्ञाकारी रूप से मुझे आपको खाने दें। यूचे ने कंबल के दूसरे कोने को पकड़ लिया और अभद्रता से कहा, आह कैंग यू धीरे से चिल्लाया। उसने अनजाने में कंबल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक चेहरा पूरी तरह से लाल रंग में बह गया। उसने दयनीय रूप से कहा, नहीं जरा रुको, टूर्नामेंट के साथ काम पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, टूर्नामेंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, मैं करूंगा। विल यूचे हंसे, उसने कंबल को दूर फेंक दिया, आगे झुक गया और धीरे से कैंग यू के नरम और कोमल शरीर पर गले लगा लिया। हालांकि उन्होंने कोई अन्य आंदोलन नहीं किया। यह बात वरिष्ठ बहन ने व्यक्तिगत रूप से कही थी, जब वह समय आता है तो आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। हाँ, कैंग यू ने अपने दोनों हाथों से उसकी छाती को पकड़ लिया और उसके सिर को यूचे की छाती में दबा दिया। वह अब उसे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। कैंग यू के कमरे में मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। किन बुशांग जो आंगन के कोने पर ध्यान कर रहे थे पूरे समय यूचे और फेन जुचेंग द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाने के दौरान अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ क्या एक ईर्ष्यापूर्ण युवा,
सुबह 9 बजे। अगले दिन स्वर्गीय तलवार विला की तलवार प्रवचन अखाड़ा। तलवार प्रवचन क्षेत्र का मुख्य चरण और 30 अन्य छोटे तलवार के मैदान सभी आकार में। गोलाकार थे। मुख्य मंच 300 मीटर लंबा था और छोटे चरण 60 मीटर लंबे थे। तलवार प्रवचन अखाड़ा स्वर्गीय तलवार विला शिष्यों द्वारा लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था। यह वह जगह भी थी जहां ब्लू वाइन रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। वर्तमान में मुख्य मंच के आसपास की सीटें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। प्रत्येक सीट के सामने एक पट्टिका थी जो उस समूह को इंगित करती थी जो मौजूद था। आम तौर पर प्रत्येक पट्टिका के पीछे 7 लोग बैठते थे, लेकिन ब्लू वाइन इंपीरियल पैलेस के लिए केवल 4 की। दयनीय संख्या थी। 9 बज रहे हैं, यह शुरू होने वाला है, किन वुशांग धीरे से बोले। अचानक हवा के बीच से तलवारों के चीखने की तेज और स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी। सभी ने सहज भाव से सिर उठाया और देखा कि उनके ऊपर लगभग 300 मीटर ऊपर अचानक 100 तलवारें आ गईं। तैरती तलवारों को लगता था कि उनका अपना मन है और वे आकाश में चारों ओर नाचने लगीं। तलवारों की कर्कश आवाजों ने आसमान के सन्नाटे को तोड़ दिया और आवाजें बेहद तीखे थे। कुछ राउंड के लिए मंच का चक्कर लगाने के बाद वे मुख्य सीट के ऊपर हवा में रुक गए और खुद को बड़े करीने से व्यवस्थित किया। तैरती तलवारों के नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर निकला, मुट्ठी बांधकर स्वागत किया और स्पष्ट आवाज में बोला, यह पुराना स्वर्गीय तलवार विला की तलवार बपतिस्मा देने वाले मंडप के एल्डर लिंग वुगो है। मुझे आज सभी नायकों और उत्कृष्ट युवाओं से मिलकर खुशी हो रही है। मैं स्वर्गीय तलवार विला में आने के लिए सभी को धन्यवाद देने के लिए हमारे विला का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस साल के ब्लू वाइन रैंकिंग टूर्नामेंट लिंग वुगो का उपनाम स्कारलेस तलवार है। भले कि वह किसी भी सामान्य बुजुर्ग की तरह दिखता है, लेकिन वह पहले से ही स्काई गहन दायरे के 8वें स्तर पर होने की अफवाह है। मुझे अब उसके लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता है। वह पहले ही टूर्नामेंट के कई वर्षों की मेजबानी कर चुके हैं और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं। वह चारों ओर मजाक नहीं करता है और यहाँ तक कि स्वर्गीय तलवार विला के भीतर भी वह एक अच्छी तरह से सम्मानित व्यक्ति है। यहाँ तक कि लिंग यूफेन को भी उनके प्रति कुछ सम्मान दिखाना होगा। किन गुशांग ने यूचे और जिया युआनबा को फुसफुसाया। वाह, तालेस चीफ किन से ज्यादा मजबूत, जिया युआनबा ने सदमे के चेहरे के साथ अपना मुंह चौड़ा खोला। जब से उन्होंने ब्लू वाइन इंपीरियल पैलेस में प्रवेश किया और पाया कि किन वुशांग पौराणिक स्काई डेप्थ रियलम थे, तब से उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक देवता हो। हाँ हाँ, ब्लू विंड एम्पायर में मुझसे ज्यादा मजबूत कई लोग हैं। किन वुशांग हंसे, मैं स्काई डेप्थ रियलम के केवल 3रे स्तर पर हूँ और लिंग वुगो से बहुत नीचे हूँ। यहाँ तक कि अगर उनमें से एक के खिलाफ मेरे 10 थे तो मैं उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आकाश गहन क्षेत्र तक पहुंचने पर हर स्तर स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन होता है। आवश्यक समय और प्रयास आत्मा गहन दायरे के 10 पूरे स्तरों से गुजरने के लिए आवश्यक से कहीं अधिक है। इसके अलावा स्काई डेप्थ रियलम का निचला आधा हिस्सा और स्काई डेप्थ रियलम का शीर्ष आधा हिस्सा दो अलग अलग दुनिया है। 5वें स्तर से नीचे वे किसी भी समृद्ध संप्रदायों में पाए जा सकते हैं। 5वें स्तर से ऊपर वे प्रमुख संप्रदायों में भी दुर्लभ हैं। वे सच्चे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। प्रसिद्ध फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज सभी स्काई डेप्थ रियलम के 5वें स्तर से ऊपर हैं। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड मालकिन और एकांत खेती के विशेषज्ञों की गिनती नहीं करते हुए, जिनकी गहन ताकत फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में स्काई डेप्थ रियलम के शीर्ष आधे हिस्से में है, वे केवल 7 हैं। जब वह समाप्त हुआ तो लिंग वुगो का सामान्य प्रीमैच ब्रीफ लगभग पहले ही समाप्त हो चुका था। अचानक उनकी आवाज ऊंची हो गई और उनके प्रत्येक शब्द बहरे हो गए,
इस साल के ब्लू वाइन रैंकिंग टूर्नामेंट का गवाह गहन आकाश महाद्वीप के चार महान पवित्र मैदानों से आता है। ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के एल्डर लिंकुन की ताकत। और जन्मस्थान के साथ मेरा मानना है कि एल्डर लिंकुन की योग्यता और अधिकार पर कोई भी संदेह नहीं करेगा। जब चार शब्द शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र सामने आए तो हर कोई तुरंत दंग रह गया, खासकर वे जो पहले टूर्नामेंट में जा चुके हैं। जिन लोगों ने पौराणिक माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के बारे में सुना है, उनके दिल तेजी से धड़कते हैं क्योंकि वे सभी हांफते थे। ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र पौराणिक चार महान पवित्र मैदानों में से एक था। इस नाम को सुनते समय यहाँ तक कि सभी संप्रदाय गुरुओं ने दबाव का एक अदृश्य रूप महसूस किया। अगर पवित्र मैदान से कोई गवाह के रूप में खड़ा होने के लिए आया तो वह किस तरह के स्तर पर होगा? लड़ाई के दौरान कुछ भी मजाकिया करने की हिम्मत कौन करेगा? यह लंबे समय से अफवाह है कि स्वर्गीय तलवार विला और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का कुछ संबंध था और इस बार आए एल्डर ने लिंग उपनाम भी बोर कर दिया। यह अनिवार्य रूप से लोगों के लिए कुछ साबित हुआ। शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र, यह किस तरह की जगह है? आसपास के दर्शकों की प्रतिक्रिया ने जिया युआनबा को बहुत उत्सुक बना दिया। स्वर्गीय तलवार विला, से 1000 गुना मजबूत जगह। कोई और सवाल मत पूछो, यूचे फुसफुसाए। आह, जिया युआनबा की आंखें एक बैल की तुलना में चौड़ी हो गईं। जब लिंग वुगो चिल्लाया तो एक हरे रंग के कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके बगल में खड़ा हो गया और थोड़ा सिर हिलाया। जिस क्षण वह खड़ा हुआ, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित हो, सभी की निगाहें तुरंत उस पर इकट्ठी हो गईं। वह लगभग 40-50 साल का लग रहा था, एक औसत निर्मित और भावहीन चेहरे के साथ, भले ही हर कोई उसे देखने में सक्षम था, लेकिन वे उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। यह ऐसा था जैसे वह एक काल्पनिक भ्रम था। बैठते ही सभी की आंखें फटी हुई लग रही थीं क्योंकि वे सभी अलग अलग जगहों पर गिर रहे थे। तत्काल हर किसी का दिल एक गहरे सम्मान और भय से भर गया। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह पवित्र मैदानों में से एक से आया था। यह लिंकुन जिस स्तर पर था, वह वहां किसी के द्वारा पूरी तरह से समझ से बाहर था।